एसकेटी गुरुजी के एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जाएंगे तरबूज का जूस कैसे बनाते हैं। तो तरबूज का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है और इस जूस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक लाल तरबूज को टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं बीज सहित। आप चाहे तो बीजों को बाहर निकाल सकते हो, अथवा अगर लगता नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं बीज को निकालने के लिए। आप तरबूज को ऐसे टुकड़े कट कर लीजिए। कट करने के बाद उसको मिक्सी जो बाउल होती है उसके अंदर डाल लीजिए। इस तरह से आप मिक्सी में सारे तरबूजों को डाल लीजिए। तरबूज का जूस पीने से तनाव दूर कम होता है, बीपी कंट्रोल रहता है। सो तरबूज का जूस हर एक इंसान को पीना चाहिए। तरबूज का जूस वजन घटाने में भी सहायक होता है। तो देखिए, हमने जूस को मिक्सी में पीस लिया इस तरह से। अब इसको हमने एक पैन में डाल दिया और पैन में डाल के बचे हुए तरबूजों को हमने वापस मिक्सी में डाल के पीस लेंगे और इसका सारा जूस हम निकाल लेंगे। देखिए, हमने सारा जूस निकाल लिया है। अब ये जूस निकल के ये पूरा एक भगोना भर गया है। ये 2.5 किलो का तरबूज था, उसमें 2.5 किलो के तरबूज में देखिए पूरा का पूरा भगोना भर गया हमारा जूस से। अब जूस को हम क्या करेंगे, छान लेंगे। जो चाय बनाने की चाय छन्नी आती है, उस चाय छन्नी में हम तरबूज का जूस थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से इसको हम देखिए छन्नी में, चूँकि ये पल्पी होता है, काफ़ी पल्प होता है इसका, तो पल्प ऊपर रह जाएगा और इसका जूस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके हमें इसी तरह से सारा जूस को छान लेना है। ये देखिए, ये जूस है नीचे और ये पल्प जो है, ये पल्प को हम निकाल देंगे बाहर। तो देखिए, इसी तरह से बाकी की जो तरबूज है उसको हम इस तरह से ही इसमें चाय छन्नी में डालेंगे और धीरे धीरे करके हम इसका सारा वो पल्प बाहर कर देंगे। तरबूज के जूस पीने से आपको फायदा है, ये आपको ऊर्जावान रखती है, मतलब आप हमेशा अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। और इसके अंदर ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम और पोटेशियम खनिज और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि शरीर को हाइड्रेट और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। तो बहुत ही पौष्टिक है ये तरबूज का जूस, जिसे हर किसी को पीना चाहिए। तो आप ये जो देखिए, इसमें से इसी तरह से हम पल्प निकालते रहेंगे इसको और पल्प को बाहर करते रहेंगे इस तरह से हम। तरबूज के अनेक फायदे हैं, बट ये ध्यान रखिएगा, तरबूज का जूस निकालने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट के अंदर कंज्यूम कर लीजिए। देखिए, ये हमारा पूरा ये एक पूरा कटोरा पूरा जूस के साथ भर गया है। ये हमने सारा जूस निकाल लिया है, पूरा कटोरा भर गया। अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए, अब ये पूरा 2.5 किलो का तरबूज से हमने करीब करीब 4 गिलास से ज़्यादा का जूस निकला है इससे, ये देख सकते हैं आप सामने। देखिए, 4 गिलास पूरा भर गया, तो कितना फ्रेश और जूसी लग रहा है ये, और बच भी गया उसमें पैन में, ये देखिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो घर में निकालिए तरबूज का जूस और अधिक से अधिक इसका सेवन करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।